सो गाइस जैसे आप लोग स्क्रीन में देखो यहाँ पे मैंने पूरा मैच कंप्लीट कर लिया जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने 3 राउंड तो पूरा खेल चुका हूँ। खेलने के बाद के जैसे यहाँ पे क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो गाइस आप लोग स्क्रीन में देखो मेरे को यहाँ पे इमोट नहीं मिला। ओ भाई साहब ये क्या हो गया। तो गाइस अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ, आप लोगों ने मैच खेला बट आप लोगों को इमोट नहीं मिला और यहाँ पे मैच स्टार्ट करने के लिए जाते हो तो गाइस आप लोगों को दिखाता यू हैव कंप्लीट ऑल योर मैच, ठीक है, ऐसे कुछ अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वाले वीडियो को आपको पूरा देखो। इस वाले वीडियो अंदर आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैच स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है और मैच स्टार्ट कैसे आप लोग कर सकते हो, सब कुछ आपको इस वाले वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा से स्किप मत करना। अगर आपके साथ अगर नेटवर्क से इरर का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वाले वीडियो को देखो, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल पर नहीं, फिर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलो यार फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो अगर आपके साथ अगर मैच स्टार्ट करती हो या फिर स्टार्ट नहीं होता है नेटवर्क कनेक्शन इरर का अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अगर जैसे आपकी यहाँ पे मैं मैच सेलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ तो मेरा भी यहाँ पे मैच स्टार्ट नहीं होता है नेटवर्क कनेक्शन इरर का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइस आपको क्या करना है, एक बार गेम को पूरा कट करना, ठीक है, जितना भी यहाँ पे आप लोग का बैकग्राउंड में खुला होगा फाइल, ठीक है, सारा का सारा फाइल यहाँ से पूरा कट कर देना। कट करने के बाद आप लोग को दोबारा से क्या करना है, गेम को ओपन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट दोबारा से गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो फाइनली मेरा जो फ्री फायर मैक्स है मेरा ओपन हो रहा है। अगर आप लोग फ्री फायर में खेलते हो तो आप लोग सेम इसी टाइप से आप लोग कर लेना, देन आप लोग जिसे यहाँ पे ओपन करोगे तो आप लोग का जो मैच है स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट करना है। तो गाइस देखो यहाँ पे आप लोग कोना में मतलब साइड में जो आप लोग को एक आइकन बनता है इस आइकन पे क्लिक करना है। आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉन वेल खोलना है और यहाँ पे गो का जो ऑप्शन मिला है इस पर क्लिक करके आप लोग मैच को स्टार्ट कर लेना, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा अभी स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि देखो मैंने मैच को पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैंने मैच को पूरा खेल लिया, ठीक है, और खेलने के बाद मेरे को इमोट भी नहीं मिला और इमोट क्यों नहीं मिला आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे मैं मैच वाले ऑप्शन पे आता हूँ, शेड्यूल वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और शेड्यूल वाले ऑप्शन पे जैसे गाइस मैं आऊँगा तो गाइस आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखो मैं यहाँ पे गाइस ऑल प्राइज़ पे क्लिक करता हूँ। ऑल देखो यहाँ पे 2 मैच मैंने जीता था और 1 मैच हार चुका हूँ जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ और ये इमोट भाई मेरे को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने 2 ही मैच जीता था, 1 मैच मैं हार गया था, जी हाँ गाइस इसी की वजह से मेरे को ये इमोट नहीं मिला। लेकिन अगर आप लोग 3 मैच तो लगातार 3 मैच जीतते हो, ठीक है, अगर आप लोग 1 मैच भी हार जाओगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, आपको 3 मैच लगातार जीतना पड़ेगा तभी आप लोगों को यहाँ से इमोट जो है मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए गाइस जब भी आप लोग खेलोगे तो आप लोग अच्छे से खेलना और ध्यान से खेलना, ठीक है, अगर आप लोग नहीं खेलते तो अपने दोस्त से खिला लेना, लेकिन हाँ ध्यान से अच्छे से खेलोगे तो आप लोग का जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा एंड आप लोगों को भी मिल जाएगा। बट मैं वीडियो बनाने के लिए जल्दी जल्दी खेल रहा था तो मैं यहाँ पे 2 राउंड जीता था बट 1 राउंड हार चुका हूँ और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो लोग कमेंट करते ना, मैं वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस इस वीडियो के अंदर जितना भी मैं खेलते वक्त प्रॉब्लम हुआ मैंने सारा चीज़ आपको बता दी इस वाली वीडियो अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो गाइस मेरे से और वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।